災よ。भोलेनाथ, कोई रास्ता सुझाइए, इसे ऐसे सिद्ध पुरुष का पता दीजिए जो इन पे लगी बुरी नजर का काट दे सके। गुरुजी, आपको जो भी सामान चाहिए था आप हमसे कह देते, हम मंगवा देते आपको बाजार से। धर्मशाला लौट के आने का कष्ट ही उठाना पड़ता आपको। सात नदियों का जल है मेरे घड़े में, वो मिलेगा तुम्हारे बाजार में। हिमालय से कस्तूरी, कावेरी के तट से गजमुक्ता, इन सब की भस्म मिलानी पड़ेगी पूजा में, तब जाकर पूजा संपन्न हो पाएगी। गुरुजी, ऐसी दुर्लभ वस्तुओं की जानकारी उन्हें प्राप्त करना तो आप जैसे सिद्ध पुरुषों के लिए संभव है, लेकिन उस भस्म के प्रभाव को फलदायक बनाने हेतु 5 सोने की मोहरें मिलानी होंगी, वो तुम दे देना। क्यों नहीं गुरुजी, सोने की मोहर हम जरूर दे देंगे, लेकिन उसके बाद हमारा घर बुरी नजर से तो सुरक्षित रहेगा ना। गुरु पे शंका पाप है गंगाधर, बुरी नजर से गुरु बचा लेगा, लेकिन गुरु पे संदेह करने के पाप के लिए तुम्हें अगले जन्म में कीट पतंगे का रूप लेना होगा। नहीं गुरुजी, नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है गुरुजी। होने का कोई कारण भी नहीं है। जी गुरुजी। मैंने आज तक तुम्हें जो सलाह दी उससे तुम्हारा उद्धार ही हुआ है। जी। मेरा कोई भी उपाय जो तुम्हारे लिए सार्थक ना हुआ हो, है कोई? नहीं गुरुजी, कभी नहीं। आपकी कृपा से तो न जाने कितनी बार हम बुरी नजर और टोने टोटकों से बचते रहे हैं। तुम यही प्रतीक्षा करो, सामान लेके आता हूं। शिव शंभु। शिव शंभु। सुनिए, वो आप जिनसे बात कर रहे थे कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं। जी, वो हमारे दिगंबर गुरुजी हैं। बड़े से बड़ा संकट आने से पहले ही उनकी कृपा से टल जाता है। उनकी शरण में तो पता ही नहीं चलता कि कोई बहुत बड़ी विपदा हम पर आने भी वाली थी। क्या वो काला जादू उतार सकते हैं? जी बिल्कुल, वो तो इनकी विशेषता है। अगर आपको कोई भी कष्ट हो तो आप हमारे गुरुजी को बताइए, अगर वो मान गए तो समझिए आपको आपके कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी, ये सोने का नींबू मिर्च और ये सोने की 5 मोहरें, और जैसा आपने कहा था शिवलिंग को चांदी के आसन में बिठा दिया है, ये लीजिए। इससे पहले कि इसका नालायक बेटा आ जाए और मेरे काम में टांग अड़ाए, तब
इसे गाड़ देते हैं। जी नजर से बचाव का कवच तैयार हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए, मेरे ध्यान का समय हो रहा है। शिव शंभू। शिव जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। वो रहे साहब, चल आपको मिलवाती हूँ। रुको, ऐसे मिलने से फायदा नहीं, सामने तो सब वही कहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। कर्म से व्यक्तित्व की असली पहचान होती है। मैं दूर से देखना चाहता हूं कि वो करते क्या है। ठीक है, चलिए इनके पीछे पीछे जाते हैं। हम तो गांव से भी बाहर आ गए, इतनी धूप में इस वीरान सड़क पे साईं जा कहाँ रहे हैं? चलो देखते हैं। पानी, 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 पानी। क्या हुआ है तुम्हें? दो दिन से भूखा प्यासा हूं। तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ईश्वर की कृपा से किसी चीज की कमी है तुम्हें? 2 महीने पहले खेत में कुआं खुदवाया था, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं निकला। एक बाबा ने बोला, निर्जल उपवास रखो और फिर हवन करना तो पानी आ जाएगा। कल रात से कुछ नहीं खाया, आज दिन में खेत में जा रहा था तो धूप में भूख प्यास से चक्कर आ गया। अब तो एक कदम भी चलने की ताकत नहीं है। बहुत प्यास लगी है, लेकिन यहाँ आसपास कहीं भी पानी नहीं है और मुझे कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं है। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे लगता है कि बिना पानी के मेरे कुएं का मृतवत होना मेरी ही निर्जल मृत्यु का संकेत है। पानी, पानी। गांव का ब्याह थोड़ा दूर तो है, लेकिन भाग कर जाऊंगी तो कुछ समय में लेके आ सकती हूँ। मैं तुमसे जल्दी भाग पाऊंगा। मुझे बताओ ब्याह कहाँ है? तुम चिंता मत करो, तुम्हें पानी जरूर मिलेगा और कुछ नहीं होगा तुम्हें। कैसे? साई ने कह दिया है ना, तो इन्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ रुकिए और देखिए कैसे। वो लड़की जो मुझसे जुबान लड़ा रही थी, वो मोहन को किसी फकीर के पास लेके गई है। और मोहन, जिसे मुझ पे विश्वास नहीं है, ऐसा करने के लिए राजी हो गया।
गुरुजी, हम लोगों ने ये भी पता किया है कि ये फकीर वही साईं है जिसके बारे में वो लड़की बार बार बोल रही थी। मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे खुद जाके देखना होगा कि क्या चल रहा है। चलो। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। पता नहीं आप कौन हैं, पर मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि आपकी कृपा से आज मैं बच पाया। इस मदद के लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। ये पात्र बहुत पुराना हो चुका है, मैं आपको चांदी का अच्छा सा पात्र देना चाहता हूँ। उसमें भी तो मैं उतनी ही भिक्षा ले पाऊंगा जितनी इसमें लेता हूँ, फिर चांदी हो या सोना क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अगर बच्चे अपने शरीर को तकलीफ देते हैं तो मां को तकलीफ होती है या नहीं? क्यों नहीं होगी, ईश्वर भी तो अपनी मां ही है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी भक्त भूखा प्यासा रहकर अपनी सेहत बिगाड़कर उसकी पूजा करे। ये शरीर भी तो ईश्वर ने ही दिया है, तो उसकी इस अमानत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है या नहीं?
इसीलिए समय पर अच्छा खाना खाया करो, वर्जिश करो, तन और मन को स्वच्छ रखो। अगर अपना ख्याल रखोगे तभी अपनों का भी ख्याल रख पाओगे। जरा सोचो, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे परिवार वालों की क्या हालत होती? मैं समझ गया, आपसे मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरे कुएं का क्या होगा? आपने पेड़ से पानी निकाल दिया तो क्या कुएं में पानी लाने के लिए चमत्कार नहीं कर सकते आप? पेड़ से पानी निकालना कोई चमत्कार नहीं है, कुदरत का नियम है। पेड़ जमीन से पानी लेता है और उसके तने से पानी शाखा शाखाओं में पहुंचता है। अगर बीच में एक छेद किया जाए तो पानी आसानी से निकाला जा सकता है। बस उसके लिए ये जानकारी होनी जरूरी है कि कौन से वृक्ष में जल की मात्रा अधिक है और जल को खींचना कैसे है। और रही बात कुएं की, तो हो सकता है कि तुमने ऐसी जगह कुआं खोदा है जहां पानी का स्तर और थोड़ा नीचे हो, उससे दो हाथ और गहरा खुदवा लो, पानी आ जाएगा। धन्यवाद। राम जी भला करे। ये तो इन्होंने उसकी मदद की और बदले में कुछ मांगा भी नहीं, ईश्वर के नाम से डराया भी नहीं उसे, उसका अंधविश्वास भी दूर किया उसकी समस्या का तार्किक उपाय बताकर। इसलिए हम सब साई को इतना मानते हैं। अब तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आओ। प्रणाम साई। राम जी भला करे। साई, ये गंगाधर जी के बेटे मोहन जी आपसे मिलना चाहते हैं। मोहन, श्रद्धा तभी सार्थक होती है जब मन में कोई भी संदेह बाकी ना हो। इसलिए पहले मन से सारी शंकाएं दूर कर लो। आपको आभास हो गया था कि मैं आप पर संदेह कर रहा था? संदेह, शंकाएं, प्रश्न ना हो तो इंसान प्रगति नहीं कर सकता है, और भरोसा तभी पूरा होता है जब वो पूर्ण हो। मुझे खुशी है कि तुमने किसी और की श्रद्धा पर नहीं बल्कि अपने विवेक पर विश्वास किया। क्या तुम मेरे साथ द्वारका माई चल सकते हो? तुम्हें कुछ देना है, चलो मेरे साथ। तिरस्कार करके इसके पास चले आए? मेरे सामने तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, अंधश्रद्धा इत्यादि की, यहां इसके तलवे चाट रहे हो। यदि झुकना ही था तो मेरे पैरों में झुके होते, ऐसा फकीर ढूंढने की क्या जरूरत थी?
मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ गए तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल, तुम्हारी सोच, तुम्हारे तर्क। पता नहीं तुम्हें मुझसे परहेज क्यों है, जबकि ये भी तो मेरे जैसा है। शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो एक भिखारी है। इसकी तुलना मुझसे हो ही नहीं सकती। आपकी एक ही बात से सहमत हूं मैं कि आपकी तुलना हमारे साई से हो ही नहीं सकती, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है आप में और मेरे साई में। आज मोहन जी के आए बाबा की ग्रह प्रवेश पूजा थी, इतना खुशी का मौका था, और वो बेचारे परेशान डरे हुए कि कोई चूक ना हो जाए। और अगर हो गई तो आप बुरा मान जाएंगे और पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा उन पे। एक तरफ आप है जो लोगों को बुरी नजर, बुरा साया, ये सारी बेकार की बातों से डराते रहते हैं, और दूसरी तरफ साई जो सिर्फ लोगों की सेवा के लिए जीते हैं, उनके डर को दूर करके उन्नति का सही रास्ता दिखाते हैं। ए लड़की, चुप! तेरी ज़बान बहुत कैची कितना चलती है, ऐसा श्राप दूंगा कि दिगंबर, बस बहुत हुआ। घर पे तुमने पहले ही पूर्णा का अपमान किया है और अब तुम्हारे चुप होने की बारी है। और तुम्हारे जैसे लालची, ढोंगी और स्वार्थी गुरु और साईं जैसे सच्चे बैरागी में बहुत फर्क है, इसलिए इनसे तुलना करने की कभी भूल मत करना। तूने मेरा अपमान किया इस भिखारी के सामने, इस दो कौड़ी की लड़की के लिए। शायद मेरी गलती है कि मैंने पहले तेरा अपमान नहीं किया। अगर कर देता तो तुझ जैसा पाखंडी अपने फायदे के लिए मेरी आई बाबा को मूर्ख नहीं बना पाता। मोहन, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। पिछले 7 सालों की तकलीफ है साईं। पिछले 7 सालों में मैंने देखा है अपने आई बाबा को डरे हुए, सहमे हुए और मेहनत की कमाई लुटाते हुए, इसके कहने पे, इसके फायदे के लिए। ईश्वर से डर, ईश्वर से, बहुत पछताएगा तू, पाप लगेगा तुझे, पाप। दिगंबर, पाप का डर उन्हें होता है जिन्हें पुण्य का लोभ हो, लेकिन जो लोग अच्छे कर्म करते हैं बिना फल की चिंता किए, उन्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि जिनके कर्म अच्छे नहीं होते वो खुद तो ईश्वर से डरना भूल जाते हैं, लेकिन औरों से ईश्वर को डरने को कहते हैं। तू कौन होता है मेरे कर्मों पर टिप्पणी करने वाला? मेरे शिष्य मुझसे नहीं डरते, मेरे तेज से डरते हैं, मेरे प्रताप से डरते हैं, मेरी विद्वता से डरते हैं, मेरी सिद्धियों से डरते हैं। ये सब तुझ में नहीं है। लोगों को भयभीत करने वाले ऐसा अक्सर अपनी ही किसी कमी को छुपाने के लिए करते हैं। तुम क्या छुपा रहे हो दिगंबर? तू मेरी पूर्णता पे, मेरी संपन्नता पे प्रश्न उठा रहा है। अपने को देख, पहनने के लायक वस्त्र नहीं है तेरे पास, यही दिखाता है कि तेरे शिष्य तुझे भिखारी मानते हैं, इसीलिए तू खंडहर में पड़ा हुआ है। देख, मेरे शिष्य मुझे राजाओं जैसा मानते हैं,
इसीलिए उन्होंने मेरे लिए एक महल जैसी इमारत बनवा के दी है। शरीर कहाँ रहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि मन कहाँ रहता है। मेरा मन तो मेरे राम जी में लगा हुआ है, राम जी हर कण कण में है। फिर क्या खंडहर और क्या महल। और जब राम कण कण में है तो फिर तुम्हें हर जगह बुरे साए क्यों दिखाई देते हैं? इन बातों का यही मतलब है, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति ही नहीं है कि बुरे साए को पहचान पाओ। और जब पहचान नहीं पाओगे तो उसे हटाने में किसी की मदद कैसे कर पाओगे? लेकिन मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरी अनुमति के बगैर एक पंछी की परछाई भी मेरे ऊपर नहीं पड़ सकती। तो जा यहां से, और आज के बाद साई से या पूर्णा से कुछ कहा तो याद रखना, मैं अपने आई बाबा की तरह भोला भाला नहीं हूं। मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। जवाब तो तू अपने बाप को देगा, देखता जा। मोहन, इसके पीछे जाना व्यर्थ है, समय कीमती है। तुम मेरे साथ द्वारका माई चलो, अभी इसी वक्त। शांत कैसे हो जाऊं? इन लोगों ने मेरे आई बाबा की सोचने की क्षमता ही खत्म कर दी, उन्हें डरा के रखा है, और मैं एक बेटा होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा उन्हें उस दिगंबर से बचाने के लिए। मुझे तो इसे जमीन पर लेटने मत देना, मैं अभी आया। पानी पी लो। आपने मुझे क्या दिया? मुझे एकदम से बेहतर लगने लगा है। इस दवा में उदी और जड़ी बूटियों का मिश्रण है। तुम्हें आधे सर का दर्द रहता है ना, ये दर्द पुराना मालूम होता है। इसमें पसीना बहुत आता होगा और सांस भी फूलती होगी। पर आपको ये सब कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। ऐसा अक्सर तभी होता है जब अर्थ शीशी की बीमारी हो। आपको सच में बहुत ज्ञान है। इस दवा का हर रोज सेवन करना, एक भी दिन छूटे नहीं किसी भी हालत में।
300 साल पुरानी परंपरा मेरे कारण टूट जाएगी साईं। तो मैं सलाह दूंगा कि अपनी बीमारी को सहते हुए तुम कोल्हापुर चले जाओ। मुझमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं।